आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने छापा मारकर अवैध रूप से चल रही 4 फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। ये चारों फैक्ट्रियां बिना रजिस्ट्रेशन और पोल्यूशन विभाग की एनओसी के बिना ही चल रही थी। इन फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में प्रदूषण निकल रहा था। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की ओर से संयुक्त अभियान चलाकर चारों फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई। इस दौरान फैक्ट्री मालिकों ने किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाए, जिसके बाद पता चला कि ये चारों फैक्ट्रियां बिना किसी रजिस्ट्रेशन के यहां पर चल रही हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को इन फैक्ट्रियों के अंदर से घरेलू गैस के सिलेंडर भी मिले हैं, जिनका कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। डीएसपी अजीत कुमार का कहना है कि इन चारों फैक्ट्रियों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है और इनकी सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बरनाला में बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया की कुछ फैक्ट्रीज बनी हुई थी, जिनके बारे में शिकायत आई थी कि विदाउट एनओसी पॉल्यूशन के इनमें काफ़ी ज़्यादा शिकायत है। ये बैटरीज को गलाकर उसका राग वगैरह कुछ निकाल के और काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है। प्लस किसी तरह कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, जिसके चलते इन पर इनको जो चेक किया गया, चीज़ें सच पाई गई। पोल्यूशन बोर्ड की टीम साथ में है और हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साथ है, सबको साथ लेके एक जॉइंट टीम बनाई गई है। लोकल पुलिस साथ है और रेड टीम भी है, इनको देखा है और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी तक हमने 4 फैक्ट्री देखी है, चारों में किसी के पास कोई दस्तावेज़ नहीं है किसी भी तरह का, और पोल्यूशन से रिलेटेड कोई किसी भी तरह का कोई दस्तावेज इनके पास नहीं है। जो इन्होंने सर्टिफाई कर रखा हो, सीटी होती है, वो नहीं है किसी के पास। कानूनी कार्रवाई जो बनती है पोल्यूशन बोर्ड की बनती है वो की जाएगी। इनकी सीलिंग का प्रोसेस चालू कर दिया, इनको सील किया जाएगा। सत्य खबर के लिए बहादुरगढ़ से सन्नी खन्ना की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।